साथ साथ सबसे पहले तो मुझे ये बताइए हुकूमत को पेट्रोलियम प्राइस कम करने के हवाले से आपने कहा है कि अगर आपने कम नहीं की तो फिर हम वही करेंगे जिसके लिए मशहूर हैं। तो सर आप लोग तो मशहूर हैं धरना देने के लिए, तो क्या फैजाबाद पर फिर धरना देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हमने हुकूमत को पहले भी तंबीह किया था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मत किए, लेकिन हुकूमत ने जिद और अपनी अयाशियों को बरकरार रखा। इन कौम के ऊपर एक पेट्रोल का बम, बिजली का बम और तेल गैस का बम, ये सारे गिरा दिए। इसके मुकाबले में हमने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि वो 72 घंटे में अपनी पुरानी कीमतें जो है पेट्रोल की 14 फरवरी वाली वो बहाल करें, वरना फिर हम एक उस कदम की तरफ जाएंगे जो कौम के हक में बहुत बेहतर होगा। और ये कहना कि जनाब एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, मेरे भाई कौम को इन्होंने स्नैच तक पहुंचा दिया है। गरीब आदमी की रोटी पूरी नहीं हो रही, वो एहतजाज का सोचता ही नहीं है। ये तो हम है कि हम सांस ले रहे हैं और कोई इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, कोई इनको जगा रहे हैं, वरना तो कौम तो नैच में पड़ी है कि उनको सर उठाने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये अभी आप कबल इस वक्त कहना है कि यही होगा वो होगा, उम्मीद हम अच्छे की कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे अल्टीमेटम के अंदर अंदर कीमतें वापस ले ले। सर मुझे बताइए कोई हिकमत अमली तो बनाई होगी ना? जी हिकमत अमली मौजूद है इंशाल्लाह, वो जैसे ही हमारा अल्टीमेटम खत्म होगा उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। अब हिकमत अमली है क्या, धरना या इस्लामाबाद की तरफ मार्च शामिल है इस हिकमत अमली में? उस हिकमत अमली में हर कुछ शामिल होगा जिससे हुकूमत ये कीमतें वापस लेने पर आमादा हो। अच्छा साथ साथ हुकूमत का मौकफ है कि जो कीमतें बढ़ाई हैं ये IMF के कहने पर बढ़ाई हैं, कम कैसे कर देंगे? सब्सिडी देने के लिए तो खजाने में कुछ है ही नहीं। भाई बात ये है कि IMF के पास ये किस लिए गए हैं, कौम के लिए गए हैं या अपनी अयाशियां सलामत रखने के लिए गए हैं? कौम का फिक्र है तो जो तकरीबन 1.25-1.5 लाख गाड़ी है जो हुकूमत पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल है, उसकी जनाब पेट्रोल की कंजम्पशन कम की जाए, उसकी तादाद की कम की जाए, अपने वजीरों और मशीरों की तादाद की कम की जाए, तो क्या ये हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए कौम ही रह गई है? जब ये IMF के पास जाएंगे इसका मतलब यह है कि कौम के कपड़े उतरने शुरू हो जाएंगे, कौम के जनाब बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा, कौम महंगाई के अंदर पिसना शुरू हो जाएगी। ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो हमेशा IMF के दरवाजे पर ये जाते हैं अपनी अयाशों के लिए और कौम पिस के रह जाती है। जरूरी नहीं है अगर ये हुकूमत में आए क्यों है और ये इनके पास हाकिम कैसे किस तो है जो कौम को फिर रेट ना दे सके, जो कौम को चीजें सब्सिडाइज करके ना दे सके, और वो हाकिम तो होता ही नहीं है। आपकी हुकूमत आ गई तो आप नहीं जाएंगे IMF के पास? हमारी हुकूमत आएगी तो हम सबसे पहले अपनी जो हुकूमती मशीनरी है और जो अशराफिया है और जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो ब्यूरोक्रेसी है, इनकी अयाशियां खत्म करेंगे। अगर इनकी अयाशियां खत्म करने के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ना चल सकी तो फिर इसके बाद हम IMF के मुतबादिल कोई चीज नहीं पहुंचेंगे। IMF के पास जाना और उनकी उनका अंगूठा अपने गले पर रखवाना ये कोई समझदारों वाली बात नहीं है। हमारे पास तो पहले ही फार्मूला कहा है कि कर्ज उस वक्त देंगे जब होगा, सूद की किस्त हम नहीं देते। लेकिन ये अब कहते हैं कौम जी आप किस पर चलाएंगे, कौम को ज़कात फंड पर चलाएंगे और उसके ऊपर चलाएंगे क्या नाम है खैरात फंड पर। भाई इनसे ये भी तो कोई सवाल करने वाला हो कि भाई रोजाना IMF के दरवाजे पर मांगना, पाकिस्तान की टोटल उम्र 75 साल है, 23 मरतबा वो IMF के दरवाजे पर चला गया है। महंगाई जनाब 12.3% से लाकर 25.3% से कर दिया है, जिन्होंने 23% कौमी जनाब नुकसान में कौमी कर्जे में इजाफा कर दिया है, क्या यही हल है कौम के लिए? अच्छा ये बताइए मुमकिन है आने वाले दिनों में इलेक्शन की तारीख तय हो जाए सर, तो क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के कोई चांसेस हैं? जी बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। जी आप कह रहे हैं बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के। बहुत बहुत शुक्रिया साद हुसैन रेड्डी साहब, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे।